उज्जैन के मक्सी रोड पर कई मोहल्ले और क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट बंद है और अंधेरा पसरा हुआ है, जिसकी वजह से यहां पर निवास करने वाले आम रहवासी और नागरिक बेहद परेशान हैं। इन निवासियों ने अपनी समस्या परेशानी अधिकारियों को बताई, पर इनकी समस्या परेशानी का निराकरण नहीं हुआ और इस समय यह सब परेशानी में ही रात गुजार रहे हैं अंधेरे के अंदर। और जहां बड़ी समस्या और परेशानी खड़ी हो रही है, बारिश में स्थानीय रहवासियों की मांग है कि स्ट्रीट लाइट को चालू किया जाए और हमारी समस्या का निदान किया जाए। क्या दिक्कत आ रही है और क्या समस्या आ रही है? ये लाइट ठीक करके यार 8 रोज भी चालू हो बंद हो जाए। बताइए क्या दिक्कत है, किस प्रकार से क्या परेशानी है? वार्ड क्रमांक 40 की स्ट्रेट लाइन माननीय कमिश्नर के पास, फूड कमिश्नर जो इनका ट्रांसफर हो गया, उनको भी बार बार मैं अवगत करा था। और श्रीमान जो अभी आए वो अतुल गुप्ता जी आए हैं, श्रीवास गुप्ता जी आए हैं, उनसे भी निवेदन करा मैंने लाइट के बारे में। और संबंधित लाइट विभाग जादौन साहब वो बोले कि स्मार्ट सिटी करेगी, वो तुम्हारा बोले नगर निगम करेगी। अब इस बीच में हम लोग जनता आम पब्लिक, और बारिश का टाइम है, आम पब्लिक परेशान है, बार बार संबंधित अधिकारी को बोल रहे हैं, इसके पास भी चालू नहीं करा है। मक्सी रोड पर हाँ, वार्ड क्रमांक 40 माधोपुर शंकरपुर और पवासा और कई कॉलोनी में आपके सामने ही इतिहास है, आपके सामने ही पब्लिक ने बोला कि नहीं बोला कि लाइट बंद है हमारे विश्वकर्मा कॉलोनी में। ऐसे सभी कॉलोनी में 5-10 लाइट में बंद है, 24 कॉलोनी में बंद है, सभी दूर वार्ड क्रमांक 40 के अंतर्गत काफ़ी दिक्कत है मेन रोड की। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।